जो है छतरपुर जिले को प्रसिद्ध शहीद स्मारक सिंहपुर स्थित चरण पादुका जी ये बुंदेलखंड को जलिया वाला बाग भी कहो जात है। आपके बता दें 14 जनवरी 1931 में जब इस क्षेत्र के तमाम आज़ादी के दीवाने अंग्रेजन के खिलाफ एक सभा कर रहे थे इस स्थान पे, और उनकी जानकारी अंग्रेजन के पॉलिटिकल एजेंट जनरल फिशर के लग गई और बाप अपनी भील पलटन लेके आ गो और चारों तरफ से आज़ादी के दीवानन के घेर लो। जा सभा सरजू दरुआ ई के सभापति हते और ई के अलावा इस सभा के बारे में पंडित राम सहाय तिवारी की गिरफ्तारी को विरोध करो जा रो तो, और ई के अलावा जो अंग्रेजन ने तमाम तरह के टैक्स लगा दिए थे जनता पे उनको भी विरोध करो जा रो थी सभा में, और चारों तरफ से घेर के जनरल फिशर ने अधाधुंध गोलियां चलवा दी। न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितने ने घायल अवस्था में उर्मिल नदी में छलांग लगा दी और हर तरफ एकदम गोलियन की आवाज हती। न जाने कितने लोग गायब हो गए। इसके अलावा शहीदन में कछु जनन के नाम आए, लेकिन हकीकत जाती कि उस समय पे अंग्रेजन को ऐसो खौफ हतो कि को भी जोन भी गायब हो गए उनने अपने घर वालन के नाम नहीं बताए। काय से अंग्रेज उनके घर वालन पे भी कहर बरसाऊ थे। जा नदी जोन दिख रही उर्मिल नदी कहाऊ थे, और ई नदी में आज़ादी के दीवाने घायल अवस्था में खून गए थे। कहते हैं कि आज़ादी के दीवानन के खून से ई नदी को रंग लाल हो गया होगा। तो जो शहीद स्मारक हमारे पूरे जिला के लाने पूरे प्रदेश के लाने एक गौरव है, एक धरोहर है हमारे लाने, लेकिन ई शहीद स्मारक हैं आज तक वो दर्जा नहीं मिल पाओ जी को जो वास्तविक हकदार है। 14 जनवरी के उस शहीदन की याद में इत एक मेला जरूर लगत है, तमाम जनप्रतिनिधि आउत हैं, तमाम तरह की बातें होत हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त या 26 जनवरी पे इस प्रसिद्ध स्थान इस महान स्थान पे वीरानी देखी जा सकत है। जब इके बारे में हमने क्षेत्र की तमाम जनता से राय जानबो चाही तो का कहबो है क्षेत्र की जनता को, का चाहत है क्षेत्र की जनता, कैसे इस शहीद स्मारक हैं, कैसे जो बुंदेलखंड के जलियावाला बाग हैं प्रसिद्धि दाव चाहिए सरकार के प्रशासन के, का प्रयास करो चाहिए, इस बारे में जनता ने अपनी अलग अलग राय भी हमें दी है। जब बात तो सही कहा था राजन भैया कि उतह पे ना तो 15 अगस्त का और ना 26 जनवरी का ना तो कोई जनप्रतिनिधि जाता और ना ही कोनो ऐसो व्यक्ति जाता कि उतह कछु भाव चाहिए, और ये बात को वास्तव में अफसोस है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी भाई हमारे देश के लिए हमारे क्षेत्र के लिए उन भैयन ने जौन जान दई है तक कछु तो हमारा फर्ज बनत है कि हम 26 जनवरी का भी और 15 अगस्त का भी उतह जाएं और उनके नाम की 2 मिनट जाके मतलब श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सके थे, उतह कछु कार्यक्रम करा सके थे इस लेवा जाके, या तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि का सिर्फ जो दिखात नहीं है कि उनने हमारे क्षेत्र के लाने कछु करो है, अगर कछु करो है तो वास्तव में अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में भी जरूर जाएं, ऐसा हमारा कहबो है सभी से। प्रशासन का जो मानना है उसमें 14 जनवरी जब चरण पादुका का शहीद स्थल में जिस दिन बुंदेलखंड के वीर स्वतंत्रता संग्रामी शहीद हुए थे, उसके अलावा अगर देखा जाए तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रशासन के द्वारा यहाँ उपेक्षा की जाती है। इन दिनों में यहाँ पर कोई बड़ा प्रभारी मंत्री या विधायक या हमारे क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो या प्रशासनिक अधिकारी किसी तरीके की शुद्ध नहीं लेते हैं, वो उसी तरीके से उपेक्षित रहती है जिस तरीके से आम दिनों में वहाँ उपेक्षा की जाती है प्रशासन के द्वारा। जो शहीद हुए वो क्या वो देश के लिए नहीं हुए?
जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो 21 लोग जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में माना जाता है कि देश के लिए शहीद हो गए थे, वो 26 लोग जो घायल हुए थे, या ऐसे अनंत लोग जिनका इतिहास में वर्णन ही नहीं है और वहाँ पर मार्ग अपने देश के लिए अपना बलिदान देकर चले गए थे। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 14 जनवरी, जब कम से कम इन दिनों में तो हम वहाँ उस चीज़ को याद रखें। आप जाकर देखिए वहाँ की दुर्दशा क्या है। आम दिनों में वहाँ पर आपको गंदगी मिलेगी, वहाँ पर आपको कोई एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सफाई करने के लिए लगा हो। तो इस तरीके से केवल एक साल में 2 या 3 दिन याद कर लेना, वहाँ की व्यवस्था ना देखना, वहाँ पर सड़कें ना होना। पुरानी सरकार ने चरण पादुका को मिनी जलियांवाला हत्याकांड के नाम से कितावन में छपवाओ, कितावन में तो छप गो, लेकिन आज तक 15 अगस्त 26 जनवरी जो सब नहीं देखो जा, उते हमारे शासन प्रशासन का पहुंच के हमारी ई जलियांवाले हत्याकांड का थोड़ी इतो पॉपुलेशन करे, कम से कम भारत को आदमी तो जान नहीं लगे, बस हमें तो चाहत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 20 अगस्त 14 जनवरी के मेला लगाओ जात है, शहीदन के याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जात है। लेकिन राष्ट्रीय पर्वन पे ई महान शहीद स्मारक की वीरानगी और इनकी दुर्दशा अपनी कहानी खुद बयां करत है। जब पूरो देश आज़ादी को जश्न मनाऊ थे इन राष्ट्रीय पर्वन पे, तब ई महान शहीद स्मारक में वीरानी छाई रहा। जरूरत है शासन प्रशासन और हम सब के भी कि राष्ट्रीय पर्वन पे इस शहीदन के याद करके इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दें।